हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। यह वीडियो फाइल परमिशन सीरीज का फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल या डायरेक्टरी का ओनर और ग्रुप ओनर चेंज कैसे किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिक मेथड से किसी यूजर के लिए किसी फाइल या डायरेक्टरी पर परमिशन कैसे सेट करते हैं, यह हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में हम किसी फाइल या डायरेक्टरी का ओनर या ग्रुप ओनर चेंज कैसे करते हैं, यह इस वीडियो में हम सीखेंगे। ओनर चेंज करने के लिए आप CHOWN कमांड का यूज कर सकते हैं और ग्रुप चेंज करने के लिए आप CHOWN और CHGRP दोनों में से कोई भी एक कमांड आप यूज कर सकते हैं। दोनों कमांड का सिंटेक्स अलग अलग है, तो इस वीडियो हम देखेंगे कि कैसे CHOWN और CHGRP कमांड की सहायता से ओनर और ग्रुप को चेंज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सिंटेक्स दिया हुआ है। जैसे अगर आपको केवल ओनर चेंज करना है किसी फाइल या डायरेक्टरी का, तो उसके लिए कमांड रहेगा CHOWN, उसके बाद ओनर नेम, और उसके बाद उस फाइल या डायरेक्टरी का नेम आपको टाइप करना है। उसी तरह अगर आपको ओनर और ग्रुप दोनों चेंज करने हैं CHOWN कमांड की सहायता से, तो उसके लिए सिंटैक्स इस प्रकार रहेगा कमांड का CHOWN स्पेस ओनर कोलन स्पेस ग्रुप नेम स्पेस फाइल और डायरेक्टरी का, उस फाइल या डायरेक्टरी का नेम आपको टाइप करना है जिसका ओनर और ग्रुप आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ओनर एक टेस्ट डी नाम की एक डायरेक्टरी है जिसका मैं ओनर और ग्रुप ओनर चेंज करना चाहता हूँ। ओनर में बनाना चाहता हूँ एडमिन और ग्रुप ओनर में बनाना चाहता हूँ माई सोल्यूशन, तो उसके लिए कमांड रहेगा CHOWN स्पेस एडमिन कॉलन माई सोल्यूशन स्पेस टेस्ट डायरेक्टरी। तो अगर आपको ग्रुप चेंज करना है किसी फाइल या डायरेक्टरी का, तो उसके लिए अगर CHOWN कमांड आप यूज करते हैं, तो उसके लिए उस कमांड का सिंटेक्स रहेगा CHOWN स्पेस कॉलन ग्रुप नेम जिसको आप ग्रुप ओनर बनाना चाहते हैं, और उसके बाद उस फाइल या डाटा का नेम आपको टाइप करना है। अगर आप CHGRP कमांड की सहायता से ग्रुप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा CHGRP स्पेस ग्रुप नेम स्पेस उस फाइल या डाटा का नेम आपको टाइप करना है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं। टर्मिनल ओपन कीजिए, उसके बाद एक डायरेक्टरी मूव करता हूं मैं cd /etc/mysolutions और इसका कंटेंट लिस्ट आउट कीजिए। और यहां पर मैं इस प्रैक्टिकल के लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूं mkdir स्पेस ओनर नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, उसके अंदर मूव कीजिए और कंटेंट लिस्ट आउट कीजिए। तो यहां पर अभी कोई भी कंटेंट लिस्ट आउट नहीं है, कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है इस डायरेक्टरी में, इसलिए यहाँ पर टोटल जीरो कंटेंट बता रहा है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ mkdir space my lab, और एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देता हूँ touch my.txt। अब क्लियर ls-l कमांड एग्जीक्यूट कीजिए। तो देखिए अभी हम लॉगिन है root जैसे लॉगिन है। ठीक है, तो root जैसे हमने डायरेक्टरी और फाइल क्रिएट की थी, तो इसका जो डिफॉल्ट ओनर है वो आया है root और ग्रुप ओनर आया है root। ठीक है, अब हमें ये चेंज करना है कि इस फाइल या डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर या ओनर कैसे चेंज किया जाता है। तो पहले सबसे पहले हम यूजर अकाउंट चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से यूजर अवेलेबल इसमें। तो देखिए यहाँ पर माई सोल्यूशन यूजर अकाउंट अवेलेबल है, अजय अवेलेबल है, विजय अवेलेबल है, A1 अवेलेबल है और A2 अवेलेबल है। ठीक है, उसी प्रकार हम ग्रुप चेक कर लेते हैं कौन कौन से ग्रुप अवेलेबल है। तो एक माई ग्रुप अवेलेबल है, एक ग्रुप A1 अवेलेबल है, एक A2 अवेलेबल है। ठीक है, तो ग्रुप अकाउंट एक ग्रुप और क्रिएट कर लेते हैं, ग्रुप एड स्पेस ग्रुप One. ग्रुप वन और ग्रुप एट ग्रुप टू, ये हमने ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं। /etc ग्रुप, इसको लिस्ट आउट कर दीजिए, 5 ग्रेप ग्रुप। तो यहां पर दो ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू। ठीक है, अब मैं माई लेब डायरेक्टरी का ओनर चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो केवल अगर आपको ओनर चेंज करना है, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा ओनर CHOWN स्पेस ओनर नेम, जैसे मैं इसका ओनर बनाना चाहता हूँ माई सोल्यूशंस को,
माय सॉल्यूशंस और उसके बाद उस डायरेक्टरी का नेम आपको लिखना है या उस फाइल का नेम आपको लिखना है जिसका ओनर आप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर, तो इस डायरेक्टरी का ओनर चेंज हो चुका है माय सॉल्यूशंस, जबकि इसका ग्रुप वही है। ठीक है, अगर आपको फाइल ग्रुप चेंज करना है तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा। अगर chown कमांड की सहायता से अगर उस डायरेक्टरी का या फाइल का ग्रुप ओनर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड रहेगा chown colon ग्रुप नेम। तो मैं ग्रुप देता हूँ, ग्रुप वन स्पेस माई लेब। तो चेक कर लीजिए, देखिए इसका ग्रुप भी यहाँ से चेंज हो चुका है। ठीक है, अगर आप chgrp कमांड की सहायता से चेंज करना चाहते हैं किसी फाइल या डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर तो उसके लिए कमांड रहेगा chgrp फिर ग्रुप नेम और उसके बाद उस डायरेक्टरी या फाइल का नेम आपको टाइप करना है। तो देखिए यहाँ पे chown कमांड और chgrp कमांड दोनों की सहायता से हमने ग्रुप चेंज कर दिया है। अभी देखिए इसका ग्रुप चेंज हो चुका है ग्रुप टू। ठीक है, अगर chown कमांड की सहायता से एक ही कमांड आप एग्जीक्यूट करें और दोनों ओनर ग्रुप ओनर और ओनर दोनों चेंज हो जाने चाहिए तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा। जैसे अभी इसका my.txt फाइल का ओनर है रूट और ग्रुप ओनर है रूट। ठीक है, तो मैं इसका ओनर और ग्रुप ओनर चेंज करना चाहता हूँ chown स्पेस ओनर में बनाना चाहता हूँ उसको माय सॉल्यूशंस को और ग्रुप बनाना चाहता हूँ मैं माय ग्रुप को, सॉरी। तो पहले चेक कर लेते हैं नाम क्या था, माय ग्रुप था। ठीक है, chown ओनर बनाना चाहता हूँ मैं माय सॉल्यूशंस को और ग्रुप ओनर बनाना चाहता हूँ माय ग्रुप को और उसके बाद उस फाइल का नेम। देख लीजिए इस फाइल का ओनर और ग्रुप ओनर चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार आप chown कमांड यूज करके किसी फाइल या डायरेक्टरी का ओनर और ग्रुप ओनर एक साथ चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।